हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं काकतीय डायनेस्टी का पार्ट टू। आइए स्टार्ट करते हैं। ये इस लेक्चर का ओवरव्यू है जिसे हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, और अभी हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं जिसमें हम डायनेस्टीज ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। ये इस काकतीय डायनेस्टी का पार्ट टू है। आइए स्टार्ट करते हैं। रूलर अंडर मराठास, अजमेर सिंह की डेथ के बाद जो ये बस्तर के रूलर थे वो किसके अंदर आ गए थे? मराठा के अंदर आ गए थे। इट मीन्स मराठाधीन। ठीक है, तो देखिए, रूलर्स अंडर मराठा मतलब कि मराठा अधीन शासक। तो सबसे पहला जो कौन था वो था दरिया देव। इसी ने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ मिलकर और मराठास के साथ मिलकर अपने जो ये बस्तर के इंडिपेंडेंट रूलर था अजमेर सिंह, उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। अब इसके बाद कौन शासक बना यहाँ का, इस काकतीय डायनेस्टी का? दरिया देव। इसका जो शासनकाल था वो कब से कब था, 1777 से लेके 1800 AD तक। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अजमेर सिंह वॉज डिफीटेड इन द हलबा रिबेलियन एज अ रिवॉल्ट ऑफ दरिया दिल एंड कॉन्स्पिरेसी, एज अ रिजल्ट ऑफ दरिया देव कॉन्स्पिरेसी। मतलब ऐसा था कि इसकी षड्यंत्र की वजह से क्या हुआ था, वो हार गया था। ही वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ हिम। नेक्स्ट पॉइंट है, ही साइन कोर्ट पार्ट ट्रीटी ऑन 6 अप्रैल 1778। ये ट्रीटी का मीनिंग क्या होता है, संधि। उसने ये संधि साइन की थी, क्यों साइन की थी, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ये जो तीनों हैं, जो ये जयपुर नरेश विक्रम देव और भोसला शासक अविराव, तो ये तीनों के बीच क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेकर ये संधि हुई थी, क्या है, कोर्ट पार्ट ट्रीटी। तो ये कब हुआ था, 6 अप्रैल, आपको उसकी डेट याद रखनी है। और इस ट्रीटी में कौन कौन इन्वॉल्व थे याद रखना, ये जयपुर नरेश, जयपुर नहीं, ये जयपुर है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया में है, और उसके बाद कौन है, भोसला शासक। तो ये तीनों के बीच ये ट्रीटी हुई थी। आफ्टर दिस ट्रीटी बस्तर रीजन ऑफ द स्टेट केम अंडर मराठा कंट्रोल। इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ था कि जो बस्तर का स्टेट था, बस्तर जो एरिया था, वो क्या हो गया, मराठा के अंदर आ गया था। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ही हैड टू पे 59,000 एस टेकुली। टेकुली का मीनिंग क्या होता था कि एक तरह से ये टैक्स था, ये एक तरह से पेमेंट था जो कि इन रूलर्स को देना पड़ेगा। इफ ही वुड पेड रेगुलरली, अगर क्या करेगा, अगर वो इसको रेगुलर पे करता रहेगा तो क्या होगा, अगर वो ऐसे रेगुलर पे करता रहेगा तो द भोसला रूलर वुडंट इंटरप्ट हिम, तो वो उसको बिल्कुल भी कभी इंटरप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो पे नहीं करेंगे तो फिर वो आकर इंटरप्ट करेंगे। बस्तर बिकेम द पार्ट ऑफ सीजी इन दिस पीरियड। इसी पीरियड में क्या हुआ था कि बस्तर जो था छत्तीसगढ़ का पार्ट बना था। ड्यूरिंग हिस रेन, इट मीन्स उसके शासनकाल में, मिस्टर ब्लंट केम टू सीजी। ये जो मिस्टर ब्लंट नाम का ये जो फॉरेनर था वो क्या था, इसी के रूल पीरियड में छत्तीसगढ़ आया था। तो आपको ये याद रखना है, इनका नाम भी पूछा जाता है कि ये किसके शासनकाल में आते, ये दरिया देव के शासनकाल में आते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु ट्रैवल कांकेर बट कुड नॉट एंटर बस्तर। वो उसने कांकेर ट्रैवल किया बट क्या हुआ, वो बस्तर के अंदर एंटर नहीं कर पाया। क्यों एंटर नहीं कर पाया, वो क्या विजिट करना चाहता था बस्तर को एक बार, पर क्या हुआ कि उस जो बस्तर के जो सोल्जर्स थे, बस्तर की जो आर्मी थी, जब जब वो यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करता तब तब उसे फाइट करना पड़ता, ये उनके तीर धनुष और उनकी आर्मी से क्या करना पड़ता, फाइट करना पड़ता। इसलिए कभी भी वो सक्सीड नहीं हो पाया अपनी, वो जो चाहता था बस्तर में एंटर करना, तो वो कभी बस्तर में एंटर नहीं कर पाया। उसके बाद इन 1795 द स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम टू प्लेस। क्या हुआ था 1795 में, भोपालपट्टनम का स्ट्रगल हुआ था। स्ट्रगल मतलब कि इसका मतलब भी विद्रोह होता है, संघर्ष। इसका रीजन क्या था कि वही उनका जो ब्लंट नाम का फॉरेनर था उसी की अपोजिशन में, उसको क्या करते, अपोज कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या हुआ, भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ। और ये भोपालपट्टनम कहाँ पे है, ये बीजापुर एरिया में अभी एट प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं रूलर अंडर मराठास। रूलर अंडर मराठास, इसमें दो रूलर्स हैं, महिपाल देव और दूसरा है भोपाल देव। तो सबसे पहले महिपाल देव के बारे में देखते हैं। इसका जो रूलिंग पीरियड था कब था, 1800 से लेके 1842 AD तक। ड्यूरिंग हिज रेन परलकोट रिबेलियन हैपेंड इन 1825। इसके जो शासनकाल में क्या हुआ था, ये परलकोट, जो ये परलकोट नाम का विद्रोह हुआ था, किसके लीडरशिप में हुआ था, गेन सिंह नाम के उस जो पर्सन था उसके लीडरशिप में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, एंड इसका जो लीडर कौन था और ये कब हुआ, ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। अभी हम इसका एक अलग से वीडियो आएगा, जो सारी ये जो ट्राइबल रिबेलियन है इनका एक अलग से वीडियो आएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी आप एक तरह से एक रीड कर लीजिए कि कौन सा किसके शासनकाल में हुआ था और कौन उसका लीडर था। इसका जो रीज़न क्या था, इस परलकोट नाम का जो ये विद्रोह हुआ था उसका रीज़न क्या था, बाय दिस रिबेलियन अबू जमाड़िया वॉन्टेड टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर देर इज़ नो एक्सप्लोटेशन। ये जो रिबेलियन हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, उसके रीज़न क्या था, उसके रीज़न ये थे, जो अबू जमाड़िया, जो आपको पता होगा कि बस्तर में अबू जमाड़िया नाम की जो जनजाति रहती है, वो क्या चाहते थे, वो एक ऐसा क्रिएट करना चाहते थे कि जहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और ये विद्रोह क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था, इट वॉज बॉर्न ड्यू टू रिवेंज फीलिंग टूवर्ड्स ब्रिटिश एंड मराठास। जो वहाँ के लोग थे वो ब्रिटिशर्स एंड मराठा से परेशान होकर उन्होंने
ये विद्रोह किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये दरिया, ये जो ये महिपाल देव है तो उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स है, तो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दरिया देव हैड एक्सेप्टेड द सबऑर्डिनेशन ऑफ मराठास, उसने क्या किया था, मराठास की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बट देयर वॉज ऑलवेज एपैथी इन गिविंग टकोलीस, क्या हुआ कि उसने अधीनता तो स्वीकार करी थी बट जो उसे 59,000 पे करना था वो क्या करता था, उसे पे टाइमली नहीं करता था, उसे पे नहीं करना चाहता था। हिज सन ऑल्सो रिफ्यूज टू पे एंड डिस्पाइट ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन, क्या होता था जब भी वो पे नहीं करते थे तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस भेजा जाता था बट फिर भी वो अमाउंट ऑफ टकोली पे नहीं करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। उसने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया एंड उसने क्या किया, एक क्लियर मैसेज सेंड कर दिया भोसला रूलर्स को कि रतनपुर में जो लोग रहते थे उन्हें क्या बोला कि वो एक्सेप्ट नहीं करता इस अधीनता को, ठीक है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर मानता है। तो इसके बाद जो ये व्यंकोजी भोसला थे उन्होंने क्या किया, अपने जो उनका मोस्ट पावरफुल मुसाहिब था उसे क्या किया, रामचंद्र बाग नाम का, उसने उसे बस्तर भेजा, बस्तर, इन बस्तर रूलर्स को दबाने के लिए, बस्तर रूलर्स को दबाने के लिए। द इन्वेशन ऑफ रामचंद्र लेड टू डिफीट ऑफ बस्तर आर्मी, क्या हुआ, इस ये जो आक्रमण हुआ रामचंद्र के द्वारा उससे क्या हुआ, ये जो बस्तर की आर्मी थी वो क्या हुई, हार गई एंड दे गॉट राइट ऑन जगदलपुर फोर्ट। क्या हुआ कि जो बस्तर की आर्मी हार गई तो इन लोगों ने क्या किया, जो जगदलपुर फोर्ट था उसको अपने अंडर कर लिया। बट महिपाल देव, जो ये महिपाल देव ये शासक था, उसने क्या किया, अगेन ट्राइबल की आर्मीज को कलेक्ट किया, उसके बाद अगेन अटैक किया और अपनी जो उसका जो ये फोर्ट जो उससे छीन गया था उसे क्या किया, वापस लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने वापस तो ले लिया, उसके बाद जो ये जो रामचंद्र था वो क्या किया, वो वापस किया और बहुत लार्ज अमाउंट में सोल्जर्स लेके, जो भोसला जो ये क्या बोलते हैं ये सोल्जर्स थे उन्हें लाकर एक साथ जमा किया, इकट्ठे किया और फिर अगेन जगदलपुर पे अटैक किया। इससे क्या हुआ, महिपाल देव वॉज डिफीटेड, वो हार गया एंड हैड टू गिव प्रॉमिस ऑफ सब्जेक्शन टू भोसला रूलर्स। क्या हुआ कि यहाँ पे उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया था कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद क्या किया कि जब वो हार गया तो उसे ये प्रॉमिस करना पड़ा कि वो अब इनके अंडर ही रूल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन आया, भोपाल के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है भोपाल देव। इसका शासनकाल कब से कब था, 1842 से लेके 1853 तक। महिपाल देव की डेथ के बाद कौन आया रूल करने, भोपाल देव। ये कौन था, ये सबसे बड़ी रानी का बेटा था तो इसे ही रूलर बनाया गया और उसका जो ये सौतेला भाई था, इसका जो ये ब्रदर था जो छोटी रानी का बेटा था उसे क्या किया गया, तारापुर का अधिकारी बनाया गया। तो ये जो इसका जो ब्रदर था दलगंजन सिंह, तो उससे वो क्या था, पॉपुलर था, वहाँ के जो लोग थे ट्राइबल पीपल थे उसमें क्या था, ये ज़्यादा पॉपुलर था। तो ये जो इसका ये जो बड़ा भाई है भोपाल देव, ये हमेशा इससे डरा हुआ रहता था, ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम। और ये दोनों के बीच क्या था, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा कि कौन बेटर है, कौन राजा है। तो इस तरह से दोनों के बीच काफ़ी टाइम तक संघर्ष चला। इन दिस पीरियड देयर वर टू ट्राइबल रिवोल्ट हैपेंड, इसके शासनकाल में क्या हुआ, दो रिवोल्ट हुए थे ट्राइबल। पहला कौन था, मेड़िया रिवोल्ट, दूसरा था तारापुल रिवोल्ट। दोनों का हुआ था 1842 में। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन है, क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एफर्ट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। ह्यूमन सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या होता है, नर बलि, इट मीन्स इंसानों की बलि देना। तो इस ये जो पीरियड था ड्यूरिंग द मराठा रूल, देर वॉज अ क्रूल प्रैक्टिस दैट इज ह्यूमन सेक्रीफाइस एट दंतेश्वरी टेम्पल। दंतेश्वरी टेम्पल जो कि दंतेवाड़ा में है, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे इंसानों को की बलि दी जाती थी। तो ये इस बारे में जब ब्रिटिशर्स को पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मराठा जो सिक्योरिटी थी भोसला रूलर्स की, उनके सोल्जर्स को क्या किया, मंदिर के चारों साइड तैनात कर दिया। इसके बाद इस बारे में जब मराठा गवर्नमेंट ने भोपाल देव को क्या कहा, उसे एक्सक्यूज किया कि ये ऐसा इस तरह से होता है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा ही हैड प्रॉमिस्ड इफ सच प्रैक्टिस इज स्टिल देयर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या होगा, इट वुड बी अवॉइड सून, इसे जल्द ही ख़त्म किया जाएगा। तो ये वहाँ पे हुआ था कि इसे बंद कराया गया था। उसके बाद थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।